गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री की हम अगली क्लास लेके आपके सामने हैं। देखिएगा कुछ उस दिन क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराए गए थे, आज उसी फार्मूले पे बेस हम आपको कुछ क्वेश्चंस और कराने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपको दिया गया है टेन थीटा इक्वल टू 20/21, टेन थीटा इक्वल टू 20/21, तो आपको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? शो करना है क्या, 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta equal to 3 upon 7। तो देखिए आपको tan theta equal to 20/21 दिया गया है, आपको ये प्रूफ करना है 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta equal to 3 upon 7। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा एबीसी, ये हमारा थीटा हो गया। तो आपसे कह रहा है कि tan theta equal to 20/21 दिया गया है, मतलब हाइट 20 और बेस 21। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालने का प्रयास करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस मतलब एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर 20 जा 400 प्लस 21 into 21, मतलब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, 441। ध्यान दीजिएगा कि 441 आपका जो है 20 का स्क्वायर 400 और 21 का 441। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू 441। तो AC equals to under root 841, AC equals to आपका 841, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब आपको देखिए AC आपको पता हो गया कि under root 841 आ गया, तो आपका ये निकल के आ गया under root 841। ठीक, अगर इसका स्क्वायर रूट निकलता है तो हम निकालने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज इसको अगर हम इसी पे छोड़ दें तो भी हमारा आंसर आगे चल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 841 किसका स्क्वायर रूट है चेक करते हैं। देखिए 841 लास्ट में वन है, मतलब 2 से डिविजिबल ये नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। तो हम इसको अगर इसी पे ऐसे ही छोड़ दें, ध्यान दीजिएगा 1 minus sin theta, sin theta का वैल्यू होता है height upon hypotenuse, तो 20/√841 plus cos theta की वैल्यू होती है base upon hypotenuse upon 1 plus sin theta, फिर से वही 20/√841 प्लस 21/√841। अब यहां पर इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ये अपॉन वन है, ये भी अपॉन वन है, तो इसका एलसीएम हम ध्यान देंगे कि इसका एलसीएम क्या आएगा, तो √841 आ जाएगा, √841। तो यहां पर हो गया √841 minus 20 plus 21 अपॉन नीचे भी √841 और अपॉन जो यहां पर देखिए √841 plus 20 और plus 21। ठीक, देखिए √841 कट गया आपका, तो ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 841 माइनस 20 प्लस 21 आपका प्लस 1 अपॉन √841
और +20 +21 +41 देखिए अब √841 तो √841 का स्क्वायर रूट क्या होता है 29 तो 29 प्लस 1 अपॉन √841 29 प्लस 41 तो 29 और 1 30 अपॉन 29 प्लस 41 70 तो आप ध्यान दीजिएगा कि 10 3 जा 30 10 7 जा 70 हमारा आंसर आया 3/7 तो 3/7 भी आप देखिए यही हमको RHS निकाल के लाना था तो यहां पर हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होके आ गया। तो देखिए हम चाहते तो स्क्वायर रूट यहां भी निकाल सकते थे, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझने का प्रयास करिए कि √841 का स्क्वायर रूट 29 आप यहां पर भी रख के सॉल्व करिए तो और आसानी से सॉल्व हो सकता है, और अगर आप लास्ट रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये इसलिए बताया गया कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, या वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको जानने चाहिए। इसलिए क्वेश्चन को बता दिया गया कि आपको कोई दिक्कत आगे चल के ना। ठीक, चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। मैं आपको उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग बताता हूं, बाकी आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो आप फिर आगे जो है आगे आने वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। तो ये आप समझ में आ गया होगा 10 θ = 20/21। ठीक, और आपको ये प्रूफ करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कि मान लीजिए आपको दिया गया है cos θ = 3/5 और आपको प्रूफ करना है sin θ - cot θ upon 2tan θ = 3/160। ये आपको प्रूफ करके आना है। देखिए सेम पिछली क्वेश्चन तरीके ये भी क्वेश्चन है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये है आपका थीटा, मान लीजिए ए बी सी, ये आपका 3 बेस हो गया और 5 आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो 3/5 पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर + आप स्क्वायर मान लीजिए + x का स्क्वायर 5 5 = 25 = 9 + x² = 25 - 9 = x² = √16 = 4 या इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हाइट 4 आ गई। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस मींस 4/5 माइनस कॉट थीटा होता है बेस अपॉन हाइट, मतलब 3/4 / 2 tan θ, tan थीटा की वैल्यू होती है हाइट अपॉन बेस, मतलब 4/3। अब इसको आप साधारण पूर्व सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम निकाल के कि 5 4 = 20 एलसीएम होता है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 4 4 = 16 5 3 = 15। देखिए तो 4 4 = 16 5 3 = 15 अपॉन 5 4 = 20 होल अपॉन 4 2 = 8 अपॉन 3। तो ध्यान दीजिएगा 16 - 15 1/20 होल अपॉन 8/3। अब ध्यान दीजिएगा ये 20 आपका नीचे आएगा और ये 3 आपका ऊपर जाएगा, तो 3 × 1/20 × 8 तो 3 1 = 3 28 = 160। देखिए आपका LHS जो है वो सॉल्व होके RHS के इक्वल आ गया। ठीक, तो ये जो है आपका प्रूफ होके आ गया। तो इस तरीके से इससे भी जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें, अदरवाइज हम आपको आगे फिर बताते रहेंगे। थैंक यू। और एक बात ध्यान दीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।